अच्छा, अगला सवाल अली भाई के, रोज़े की हालत में अगर कोई बीमारी लाहक हो जाए या कोई कमज़ोरी या डिहाइड्रेशन वगैरह अगर हो जाए, अगर ऐसी सूरत में बहालत मजबूरी रोज़ा तोड़ना पड़ जाता है, तो इसके बदले सिर्फ़ एक ही रोज़ा रखना पड़ेगा या 60 रोज़े रखने पड़ेंगे, या इसके साथ कफ़ारा भी अदा करना होगा? रोज़ा तोड़ सकते हैं नहीं, बीमारी की हालत में तो ज़ाहिर है इंसान की जान सबसे कीमती चीज़ है, और जब इस तरह का रोज़ा तोड़ेंगे तो फिर उसका कफ़ारा नहीं अदा करना होगा बल्कि सिर्फ कज़ा करनी होगी। या आप ये तीन टर्मिनोलॉजी समझ लें, एक है रोज़े का कफ़ारा, एक है रोज़े की कज़ा, और एक है रोज़े का फिदिया। ठीक, ठीक है, फिदिया ये है कि जो बंदा रोज़ा नहीं रख सकता या उसको बीमारी से सेहत याब होने की उम्मीद नहीं है, तो एक रोज़े के बदले एक वक्त का खाना एक मिस्कीन को खिला दे, वो कुरान में है, तो आम उन फिदिया मिस्कीन को दिया जाए। अच्छा, कज़ा ये है कि बंदे ने बीमारी की वजह से रोज़ा छोड़ दिया, बाद में सेहत हुई या औरत के मखसूस अयाम थे उसके रोज़े छूट गए, बाद में उसने रोज़े रखे, जितने रोज़े छूटे वो उतने रोज़े रख ले, वो रोज़े की कज़ा है, एक रोज़े के बदले एक रोज़ा। कफ़ारा ये है कि किसी शख्स ने जानबूझ के रोज़ा तोड़ा तो वो कफ़ारा क्या अदा दे करेगा, बीमारी जानबूझ के नहीं होती, ये तो मजबूरी है ना। सही, सफ़र में रोज़ा तोड़ना ये भी मजबूरी है, ये जानबूझ के नहीं। बुखारी मुस्लिम में हदीस है कि नबी अलैहिस्सलाम ने तो सहाबा का रोज़ा तोड़वा दिया था सफ़र में, आप सफ़र में रोज़ा रखे रख लें, बाद में आपको अंदाज़ा हुआ कि यार मैं तो नहीं नमा सकता आधे सफ़र में ही, तो आप रोज़ा तोड़ दें, कोई गुनाह नहीं, कोई कफ़ारा नहीं, कोई फ़िदिया नहीं, सिर्फ़ एक रोज़ा बाद में रख लें, ठीक हो गया। कफ़ारा उस सूरत में है कि अगर मियाँ बीवी ने इज़दवाजी ताल्लुक़ कायम किया, बुखारी मुस्लिम में आता है, फिर वो एक ग़ुलाम आज़ाद करेंगे कफ़ारे के तौर पर, उसके बदले एक रोज़ा तो रखेंगे ही रखेंगे, एक ग़ुलाम आज़ाद करेंगे, और अगर ग़ुलाम नहीं आज़ाद कर सकते 60 रोज़े रखें, 60 रोज़े नहीं रख सकते और वो भी मुसलसल, तो 60 मिस्कीनों को खाना खिलाएंगे। और ये जो कफ़ारा है ना, 60 मिस्कीनों वाला या 60 रोज़े रखने वाला, ये मियाँ बीवी के इज़दवाजी ताल्लुक़ की वजह से अगर कोई रोज़ा तोड़ ले तो है, खा पी के जो रोज़ा तोड़ता है ना उसके लिए कफ़ारे में इख्तलाफ है। हनफियों के नज़दीक खा पी के भी जो रोज़ा तोड़ता है उसका भी यही कफ़ारा है, जबकि इमाम बुखारी ने इस हदीस के ऊपर बाब बांधा है कि अगर कोई मियाँ बीवी ताल्लुक़ कायम कर लें तो वो रोज़ा तोड़ बैठे तो उसका कफ़ारा क्या है। तो मैं इमाम बुखारी के साथ हूँ इस मसले में, और इसको सपोर्टिव एक वो रवायत भी है ना, अलमुसन्नफ़ इब्ने अबी शैबा में सईद इब्ने जुबैर ताबी का कौल है कि अगर कोई शख्स जानबूझ के खा पी के रोज़ा तोड़ ले तो वो अल्लाह से इस्तग़फ़ार करे और उसके बदले एक रोज़ा और रख ले और थोड़ा बहुत सदका खैरात कर दे अज़्बे तौफीक जितना वो कर सकता है। और ज़ाहिर है कि ये मियाँ बीवी का ताल्लुक़ कायम करके रोज़ा तोड़ना और किसी का खा पी के रोज़ा तोड़ना ये बहुत एक्सट्रीम है, ये अकल भी नहीं मानती कि दोनों की सज़ा एक लेवल की होगी, क्योंकि वहाँ तो बचना भी मुमकिन था, यहाँ तो वो अपने एक भूख से मगलूब हो गया या प्यास से मगलूब हो गया और उसने तो रोज़ा तोड़ दिया, वहाँ जो मगलूब होने वाला मामला है वो तो उसके कंट्रोल में था, वो बच भी सकता था, उसको डिले भी कर सकता था, ये तो नहीं है कि उसने ताल्लुक नहीं कायम किया तो उसने मर जाना था या प्यास की वजह से उसने ये हो जाना था, वो चीज़ें कंट्रोल वाली थी, ये कंट्रोल वाली नहीं थी।